हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड हिंदी में। आज मैं आपको इस सिग्निफाई वेंडर एप्लीकेशन में आप अपना मीट स्टोर हो या फिश स्टोर को कैसे रजिस्टर करें और अपना स्टोर को कैसे ओपन करें और इसमें प्रोडक्ट को कैसे ऐड करें, इसकी सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आप प्लीज हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले सिग्निफाई वेंडर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा तो आप क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं हुआ तो आप क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नाम, जैसे मैं दे रही हूँ, और नेक्स्ट आपका ईमेल, और नेक्स्ट आपका फोन नंबर, इस नंबर को आपको ऑटोमेटिकली ओटीपी सेंड हो जाएगी, तो ओटीपी को देना, और नेक्स्ट आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। पहला होगा स्टोर सेक्शन, और दूसरा होगा व्हीकल सेक्शन, और तीसरा होगा सर्विस सेक्शन। तो आज हम स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्टोर लिस्टिंग पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका शॉप नेम, एंड नेक्स्ट आपकी शॉप कैटेगरी। मैं यहाँ पर मीट एंड फिश कैटेगरी चूज कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट आपका स्टोर लोकेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपका स्टेट, जैसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर आपकी सिटी, फिर एरिया, फिर आपका स्टोर का एड्रेस। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और फिर आपको ट्रेड लाइसेंस, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसा सेलेक्ट कर रही हूँ। और फिर आपका FSSI लाइसेंस, अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फोन बिल भी अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको अपना स्टोर फोटोज ऐड करनी होगी। एक से ज्यादा भी आप अपने स्टोर फोटोज भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये है आपका स्टोर का रजिस्ट्रेशन। फिर एक्सप्लोर, फिर आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा, तो इसमें आप अपने ऑल ऑर्डर्स भी देख सकते हैं, और पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स एंड डिलीवर ऑर्डर्स भी देख सकते हैं, और आप अपने स्टोर के सारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं जब आप टोटल प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर देंगे तो। फिर यहाँ पर आपको अपने रिचार्ज के पेंडिंग डेट्स भी दिखाई देंगे जब आप मेंबरशिप के पास देखेंगे तो। फिर आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इस तरह की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिंक शेयर भी कर सकते हैं जब आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो। फिर आप नेक्स्ट 3 हॉरिजेंटल लाइंस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव बार दिखाई दे रहा है। अगर आप अपना स्टोर ओपन रखे हैं तो आप एक्टिव कीजिए, अगर आप अपना स्टोर बंद कर रहे हैं तो इनएक्टिव कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल सेटिंग चेक करनी पड़ेगी। प्रोफाइल सेट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना अपना नाम देख सकते हैं, और आपकी ईमेल और अपना फोन नंबर देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी, जैसे मैं अब सेलेक्ट कर रही हूँ डिलीवरी। अगर आपके दुकान में डिलीवरी बॉय होगा तो आप डिलीवरी सेलेक्ट करना,
अगर आपके पास डिलीवरी बॉय नहीं होगा तो आप पिकअप ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर किलोमीटर सर्विंग देना पड़ेगा, जैसे मैं 2 किलोमीटर दे रही हूँ। और नेक्स्ट आपको डिलीवरी चार्जेस सेट करना होगा, जैसे 40, 50, 60। और आपको यहाँ पर फ्री डिलीवरी है वो भी सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। और फिर आप अपडेट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आप अपने स्टोर के फोटोज ऐड और एडिट भी कर सकते हैं। और फिर होगा ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए तो आप अपने स्टोर में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका प्रोडक्ट नेम, तो मैं मीट एंड फिश होगा तो मैं लूंगी फर्स्ट चिकन। फिर कैटेगरी, आपको अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, सो चिकन चिकन। एंड नेक्स्ट ओरिजिनल प्राइस, जैसे MRP। एंड नेक्स्ट डिस्काउंट प्राइस। एंड नेक्स्ट यूनिट। सारे प्रोडक्ट के लिए एक ही यूनिट है तो सिंपल एक डाल दीजिए। फिर स्टॉक, आपके दुकान में कितना स्टॉक है वो लिखना होगा। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का फोटो ऐड करना होगा। यहाँ पर भी आप 1 से 3 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड फोटो ऐड कर सकते हैं। और फिर आप ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए। ओके, हर एक टाइम मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करने का प्रोसीजर दिखाऊंगी। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, अब मैं दूसरी कैटेगरी लूंगी जैसे मटन। फिर प्रोडक्ट कैटेगरी एंड नेक्स्ट मटन ओरिजिनल प्राइस एंड नेक्स्ट डिस्काउंट प्राइस एंड नेक्स्ट यूनिट। सारे प्रोडक्ट के लिए एक ही यूनिट है। फिर स्टॉक, आपके दुकान पर कितने स्टॉक्स हैं। फिर डिस्क्रिप्शन, आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के फोटो ऐड करना होगा। एक से ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट के फोटो ऐड कर सकते हैं। और फिर आप ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए। यह सिंपल तरीका प्रोडक्ट ऐड करने का। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट, और आप एडिट भी कर सकते हैं। जब आप एडिट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप, मैं आप यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस एडिट करती हूँ। फिर यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हैं, और आप अपना प्रोडक्ट भी डिलीट भी कर सकते हैं जब आप डिलीट पर क्लिक कीजिए तो। और आप मेन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो एडिट प्रोडक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप अपना प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। फिर होगा ऑर्डर, आप इस ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं आपके ऑल ऑर्डर्स, आपके कंफर्म ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स एंड डिलीवर ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर होगा रेटिंग एंड रिव्यू, आप यहाँ पर रिव्यूज भी देख सकते हैं। और फिर होगा आपका सब्सक्रिप्शन। फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक ही पैक अवेलेबल है, ये सारे पैक आफ्टर लॉन्च के बाद अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज के। तो आप अपना पैक सेलेक्ट कीजिए और पे नाउ पर क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ पर चूज करनी होगी आपकी बैंकिंग कार्ड हो या UPI, नेट बैंकिंग और वैलेट। मैं चूज करूंगी वैलेट। नेक्स्ट OTP आ जाएगी तो OTP सेंड कीजिए। नेक्स्ट वेरीफाई,
आपका एक्शन कंप्लीटेड होगा और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी, तो आप कंप्लीट हो जाएगा। यह है प्रोसीजर ऑफ ओपन द स्टोर एंड एडिंग द प्रोडक्ट इन ए बिगिनर वेंडर एप्लीकेशन। अब मैं आपको कस्टमर ऑर्डर कैसे देते हैं इन कस्टमर एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगी। ऑर्डर देने के लिए पहले सबसे पहले कस्टमर एप्लीकेशन को ओपन कर दीजिए। इस ऐप के जरिए कस्टमर आपको ऑर्डर देख सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगा, तो हमारा होगा मीट एंड फिश कैटेगरी, तो क्लिक कीजिए मीट एंड फिश कैटेगरी पर। फिर आपको अपना दुकान ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा होगा रिया स्टोर, तो व्यू स्टोर पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे स्टोर के प्रोडक्ट। अगर आपको खरीदारी करना होगा तो अब ऐड पर क्लिक कीजिए। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये कार्ट में हो जाएगा, कार्ट को क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की प्राइस देख सकते हैं और फिर चेकआउट पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो ये है प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर देने का। और नेक्स्ट अब हम इस ऑर्डर को बिगिनर सिलेंडर एप्लीकेशन में देखेंगे। ओपन कर दीजिए, फिर ओपन करने के बाद ऑर्डर्स पर क्लिक कीजिए। ऑर्डर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर दिखाई देगा। यहाँ पर आप कस्टमर की लोकेशन भी देख सकते हैं। जब आप लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर की लोकेशन दिखाई देगी। इस तरह से लोकेशन दिखाई देगी और फिर आप और आप यहाँ एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर्स में आ जाएगी। फिर यहाँ से आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं। जब आप कॉल नाउ पर क्लिक कीजिए करेंगे तो फिर यहाँ पर कंप्लीटेड दीजिए तो आपका ऑर्डर कंप्लीटेड हो गया। यह है मुकम्मल तरीका आप अपना मीट स्टोर हो या फिश स्टोर ओपन करने का। और भी बहुत सारे स्टोर्स ओपन करने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो जरूर देखना। प्लीज वॉचिंग कंटिन्यूअसली अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।